बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारी क्लास 11th का सिलेबस। तो हमें नया सिलेबस एनसीईआरटी ने प्रोवाइड भी करवा दिया और इस ईयर उन्होंने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू बुक्स भी लॉन्च कर दिए कि मार्केट में आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक मिल जाएगी, वो आप वहां पे जाकर के परचेज कर सकते हो। बट जरूरी नहीं कि आप न्यू बुक परचेज करो, आपका पुरानी बुक है तो बिल्कुल हम जो एनसीईआरटी की जो साइट है जहां पर हमें न्यू बुक का पीडीएफ दिया है उससे बिल्कुल कंपेयर करते हुए, ये हमारी न्यू बुक है और ये हमारी ओल्ड बुक है, तो कंपेयर करते हुए हम टिक करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस, कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है नहीं करनी है। तो नई बुक खरीदने की कोई झंझट नहीं है, आप पुरानी बुक को ही अपनी न्यू बुक में चेंज कर सकते हो। तो चैप्टर वन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर दें। तो ये हमारा पूरा चैप्टर वन का वहाँ पर पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो हम फर्स्ट चैप्टर देखते सबसे पहले। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा है यहां पर सेट्स। ओके, तो सेट्स में आपको चैप्टर वन जहां स्टार्ट हो रहा है, आप यहां से ये सारा कुछ हमें करना है। 1.1 एक्सरसाइज करनी है, देन 1.2 आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। देन अगर आप यहां पे आगे जाओगे तो ये टॉपिक जो है आपका पावर सेट, ये इस बार न्यू वाली बुक में नहीं है। आप वीडियो में ये देखो, उसमें देख सकते हो ये यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, इसके ऊपर पावर सेट है, बट यहाँ देखो कहीं पर भी पावर सेट यहाँ पे नहीं है। तो इस टॉपिक के बाद में सीधा आपका ये वाला टॉपिक आ गया है, तो पावर सेट आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन कट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.3 का, उसको क्रॉस कर दो तो न्यू बुक की नंबरिंग अभी हो जाएगी 5, 6, 7, 8, यानी 8 क्वेश्चन आपको 1.3 एक्सरसाइज में से करने हैं। ओके, फिर आगे चलो, आगे हमें सब कुछ करना है। ऑपरेशन एक्सरसाइज 1.4 हमें यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करना है। देन आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी है, एक्सरसाइज 1.5 आपको कंप्लीट सॉल्व करना है क्योंकि कोई भी टॉपिक यहाँ पे कट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे जाओगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का कि इससे रिलेटेड हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, वो पूरा का पूरा ही इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये पूरा टॉपिक हट गया है। तो ये इस तरह से आप अपनी बुक में क्रॉस लगा लो, अच्छे से क्रॉस लगाओ ताकि वो इरेज ना हो और आपको पता चले कि ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। तो 21, 22, 23, 24 एक्सरसाइज 1.6 उससे रिलेटेड है, वो हमें नहीं करना है। अब हमारे आगे टॉपिक गए हैं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन जाएंगे, तो ये न्यू नंबरिंग मैंने यहाँ पे साथ में कर दी है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 32 हमें नहीं करना, 33 नहीं करना, हमें 34 नहीं सॉल्व करना। देन आप आगे यहाँ पे जाओगे मिसलेनियस में 6, 7 क्रॉस कर दो। देन आपका ये 13, 14, 15, 16, ये चार जो आपके वर्ड प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। तो ये सारा कुछ आपके यहाँ से हटा करके और आपका इस चैप्टर कर दिया है बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हम। तो नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन है हमारा। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए इस चैप्टर में से आपका कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर एज इट इज 12th में भी मिलेगा, तो यहाँ आपका पूरा का पूरा आपको चैप्टर सेकंड यहाँ पे सॉल्व करना है। देन आप यहाँ पे चलेंगे अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ आप सीधे के सीधे यहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 74 पे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में हमें याद रखने हैं, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज सारी कुछ हमें यहां तक करनी है। तो ये 3.3 एक्सरसाइज तक हमारा कुछ भी कट नहीं हो रहा, कोई भी टॉपिक नहीं हो रहा, 3.3 एक्सरसाइज हमें पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो एक्सरसाइज है वो उन्होंने यहाँ पे कट करे, तो बड़ा सा कट लगा लो। आपका ये एग्जाम्पल 18 गया, 19 गया, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 गया, एग्जाम्पल 20, 21, 22, 23, 24, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना, और रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 भी आपको यहाँ पर नहीं सॉल्व करने। तो एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी कट गई है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ये न्यू नंबरिंग मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे क्या आपका कट हुआ है, तो एग्जाम्पल्स में से तो कुछ भी कट नहीं हुआ मिसलेनियस के, और मिसलेनियस की एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करनी, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हम चैप्टर हमारा 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये पूरी तरीके से उन्होंने डिलीट कर दिया है, सारा का सारा चैप्टर ही उन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब आपके जो भी आगे चैप्टर होंगे ना, उसको नया 4 नंबर मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ से हट गया है। नाउ नेक्स्ट देखो, फिर चैप्टर नंबर हम चलते हैं हमारा 5। तो चैप्टर नंबर 5 आपको न्यू बुक में चैप्टर नंबर 4 की नंबरिंग के साथ में मिलेगा। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या क्या डिलीट करना है,
इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हमें सॉल्व करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, तो एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी हो गई। उसके बाद अब यहाँ देखो आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला टॉपिक हमारा पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो गया, कट कर दिया। तो इसको कट कर देना, एग्जाम्पल 7 इससे रिलेटेड है, 8 इससे रिलेटेड है, ये भी आप यहाँ पे क्रॉस कर दो। और एक्सरसाइज 5.2 जो है वो हमें बिल्कुल भी सॉल्व यहाँ पे नहीं करनी। तो आप सिर्फ ये वाले जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लेना है, ये वाले है ना, सिर्फ ये आपको थ्योरी यहाँ पे पढ़नी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको आगे देखते हैं, ठीक है। तो फिर हमने आगे देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है वो भी इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो इससे रिलेटेड आपका 9 कट गया, 10 कट गया, 11 कट गया, एक्सरसाइज 5.3 भी यहाँ पे कट हुई। तो 5.2 नहीं करना है, 5.3 आपको नहीं सॉल्व करना। अब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में जाते हैं न्यू नंबरिंग के साथ में, तो एग्जाम्पल 13 को क्रॉस कर दो, 15 को क्रॉस कर दो, 16 को क्रॉस कर दो, देन आप यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज में आओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपका क्रॉस करना है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्रॉस करना है, 13 क्रॉस करना है। तो बाकी सारे अगर आप सॉल्व करोगे तो टोटल 20 में से आपके सिर्फ 14 क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ काट दिया एक्सरसाइज में से, बहुत कम है जो अब आपको पढ़ना रहा है। तो चैप्टर नेक्स्ट हमारा 6, ओल्ड बुक का 6, न्यू बुक का 5 हो गया, लीनियर इनइक्वलिटीज, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में से तो कुछ भी कट नहीं हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करना है, पूरा का पूरा जो 626 क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व करना है। अब आगे देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स, ये आपका टॉपिक नहीं आ रहा है, तो बड़ा सा इस तरह से कट लगा लो, ये लगा दिया हमने, ये लगा दिया, आगे पूरा क्रॉस, क्योंकि टॉपिक ही नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज भी नहीं आएगी, 6.2 भी गया। देन आपका सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टॉपिक भी यहां से हटा दिया, तो ये भी क्रॉस कर दो। एक्सरसाइज 6.3 भी आपको यहां पे नहीं करना है। तो 6.1 से रिलेटेड हमारे जो भी एग्जांपल मिसलेनियस एग्जांपल है वही हमें सॉल्व करना है। तो यहां आपका कुछ भी कट नहीं हो रहा, 20 तक कुछ भी कट नहीं हुआ, तो यानी कि मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स हमें करने हैं। और ये जो चैप्टर नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6 है, ये भी आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, ओके। तो ये ऑल 14 क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, तो ये भी क्लास 12th में आपको एज इट इज वहाँ पे चैप्टर मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए इसमें से भी कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, मीन्स 134 से लेकर के 159 तक हमें पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम में पास्कल थ्योरम हमें पढ़ना है, और आपकी यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज हमें पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना है। तो मतलब यहाँ तक तो हमारा कुछ भी कट नहीं हुआ। फिर जनरल एंड मिडिल टर्म्स जो है वो फाइंड करने के लिए जो हमारा टॉपिक है उसको हमें क्रॉस करना है, ये टॉपिक हमारा अभी नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक ही क्रॉस हो गया तो उसके एग्जांपल्स भी आपके क्रॉस हो जाएंगे, और एक्सरसाइज 8.2 भी, यानी एग्जांपल 9 तक क्रॉस कर दे रहा है, देन आपका एक्सरसाइज 8.2 आपका पूरा क्रॉस कर दे रहा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो दो ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज आपकी यहां पर आ रही है। तो मिसलेनियस एग्जांपल में 10 कर दो, 11 कर दो, 12 कर दो, 13 कर दो, 14 कर दो, 15 कर दो, 16, 17, ये सारे आपके यहाँ पर क्रॉस कर दो, ये कोई भी आपका एग्जाम में नहीं आ रहा, क्योंकि मिडिल टर्म और वो हमें यहाँ पे फाइंड ही नहीं करना। अब मिसलेनियस में से 1, 2, 3 को क्रॉस कर दो, देन आप यहाँ पे 8 को क्रॉस कर दो, ओके, और ये आपका 9, 10 भी आ रहा है, टोटल मिसलेनियस में से आपके 6 क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस इन सीरीज में अगर हम यहाँ देखें तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 9.1 आपकी कंप्लीट आपको सॉल्व करनी है, जो 14 क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन आपको एज इट इज सॉल्व करना है। फिर एपी आपका यहाँ पे क्रॉस कर दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, तो कुछ भी नहीं करना, उससे आगे वाले सारे पेजेस कट कर दो, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 है वो पूरा आप यहाँ से क्रॉस कर दो। फिर उसके बाद आपका एपी नहीं आ रहा है, लेकिन आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो एग्जाम में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हमें सारे क्वेश्चन यानी सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम भी आपका यहां पर आ रहा है, और 9.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट आ रही है, मतलब कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगर आप यहां देखो तो 32 क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमें यहां पे 9.3 के सॉल्व करने हैं, ओके। तो ये न्यू बुक में अगर आप देखोगे तो ये न्यू बुक में आपको 8.2 एक्सरसाइज की मिलेगी, ठीक है। एक हमारे चैप्टर का बीच में कट हो गया था ना, चलो आगे चलें। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज,
क्रॉस कर दो, ये टॉपिक भी हटा दिया है इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 9.4 आपकी पूरी की पूरी क्रॉस हो गई। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये पूरा आप यहाँ पे एग्जाम्पल 21 यहाँ पे क्रॉस कर दो, देन आपका एग्जाम्पल 24 को भी क्रॉस कर दो। 1 to 6 आपके नहीं आ रहे हैं, देन आपका यहाँ पे 12 एग्जाम में नहीं आ रहा है, देन आपका यहाँ पे 15 नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा। ओके तो और पीछे भी देख लेते हैं, 20 क्रॉस कर दो, 23, 24, 25, 26 ये सारे क्रॉस कर दो। तो 32 में से हमें सिर्फ 18 क्वेश्चंस ही एग्जाम के लिए सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस चलो कहाँ हमें क्रॉस करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा आ रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारा यहाँ पे आ रहा है, बट कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स ये टॉपिक उन्होंने हटा दिया, क्योंकि हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक हट गया। अब इससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल 4 काट दो, एग्जाम्पल 5 के ऊपर क्रॉस लगा दो। एक्सरसाइज के अंदर भी अगर देखोगे तो 8, 13 एंड 14 ये तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पे नहीं करने। फिर वेरियस फॉर्म्स इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ कुछ भी नहीं काटना, बस हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़नी है। नॉर्मल फॉर्म जो है लाइन की वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी, तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 11 नहीं करना, 12 नहीं करना। अब एक्सरसाइज 10.2, तो 10.2 में उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 उसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, 19 क्वेश्चन करने हैं। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी उन्होंने हटा दिया, कर दो क्रॉस, आगे भी क्रॉस, सब क्रॉस, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल 17 तक नहीं करना। फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन ये आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो 10.3 में से क्या क्या क्रॉस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉस करना है, देन आपको यहाँ कुछ भी नहीं, 18 क्वेश्चन है, तो 17 क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। एक हमने काट दिया ना, चलो मिसलेनियस एग्जाम्पल देखते हैं। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल तो हमें सारे करने हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्रॉस कर दो, और बाकी सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं। तो अच्छा खासा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वेश्चन चैप्टर 10 हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। देन आपका कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेन सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब यहाँ पे है। तो ये जो 12th से सीधा चैप्टर रिलेट कर रहे हैं उन चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तो कॉनिक सेक्शन में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सारा कुछ पढ़ना है, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इतना कोई टफ नहीं है। तो ये मिसलेनियस है, 11.4 एक्सरसाइज है, देन मिसलेनियस सब हमें सॉल्व करना है। देन आपका है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ कौन सा टॉपिक हमने क्रॉस करना है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ये हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो ये सेक्शन फॉर्मूला इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो सेक्शन फॉर्मूला का सारा इंट्रोडक्शन, देन एग्जाम्पल 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, देन 10 हो गया, और एक्सरसाइज 12.3 से रिलेटेड थी, तो वो पूरी की पूरी यहाँ पे क्रॉस कर दी। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 हटा दिए। अब आप आ गया होगे मिसलेनियस के एग्जांपल्स हमें सारे करने हैं, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे काट सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्रॉस कर दो, क्योंकि ये दोनों हमें यहाँ पे नहीं सॉल्व करने। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है वैसे भी हमारा ये वाला। फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये भी हमारे 12th से रिलेट करता है, तो इसमें भी आपका कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं किया है। ओके तो ये कंप्लीट चैप्टर आपको यहां पर सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक यहां से आपका नहीं हटा है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है अगर आप उसको कंसेप्ट से पढ़ोगे। तो दो ही एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2 आपका एक लिमिट्स के लिए, एक डेरिवेटिव के लिए है, और फिर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ओके अभी नेक्स्ट चैप्टर, यस अगर 13 हमें पूरा पढ़ना है तो 14 तो हमारा पूरा का पूरा ही डिलीट यहां पे हो गया। तो 14 चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी आपके यहां पे दो चैप्टर जो है वो पूरे के पूरे यहाँ पे हमने सिलेबस से हटा दिए हैं, तो 14 तो हमें देखना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर, क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो चलते रहो। यहाँ देखते हैं हमारा कहाँ पर डिलीट हुआ है, 15.1 हमें कंप्लीट करना है, देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाता है 15.2, तो वो भी हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करना है। अब जो टॉपिक हमारा हट रहा है, एनालिसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, कुछ नहीं आ रहा है टॉपिक ही, जब इंट्रोडक्शन में ही नहीं आ रहा, तो 15.3 आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया। चलो मिसलेनियस में चलते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल सारे आ रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से हटा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अब चैप्टर नंबर हमारा 16 लास्ट चैप्टर भी है ये हमारा, तो इसमें आपका ये इंट्रोडक्शन वाला जो ये पार्ट है ना, ये पेज वहाँ पे नहीं था, तो ये उन्होंने पूरा काट दिया। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, लास्ट क्लास तक 10th तक, वो सारी चीज़ें उन्होंने, आउटकम्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, ये सब हटा दिया। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 को आप क्रॉस कर दो,
4 को भी क्रॉस कर दो, और उसके बाद 16.1 एक्सरसाइज जो बेसिक थी हमारी वो सारी की सारी इन्होंने यहाँ से हटा दिए। फिर आपका जो चैप्टर रियल में पीडीएफ में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक ये वाला है, इवेंट से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो करते रहो, ये सारा कुछ हमें करना है। 16.1 हट चुकी है, लेकिन 16.2 हमें यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करना है, क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। फिर आगे चलो, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी ये भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये सारा टॉपिक हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो 16.3 हमें कंप्लीट सॉल्व करना है, ये रही हमारी, इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर हमारे, 21 क्वेश्चन है, ये सारे सॉल्व करने। मिसलेनियस एग्जांपल देखो तो 14, 15, 16 ये सभी हमें सॉल्व करने, 17 सब करना है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। जो कटा है ना, जो 16.1 एक्सरसाइज आपकी हटाई है, वो एक्चुअल में आपका बेसिक था जो आप क्लास 10 तक पढ़ के आ चुके हो। तो ये हमारा सिलेबस हो गया पूरा, हमने टिक कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक दो चैप्टर हमारे क्लास 11 में से पूरे पूरे हटा दिए, और जो बचे हुए चैप्टर उसमें से भी बहुत सारा पोर्शन हमारा हटा दिया है। तो अगर आप काउंटिंग अकॉर्डिंग को 30% सिलेबस उन्होंने हमारा यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। तो आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि 11th अच्छे से करोगे तो 12th आपको बहुत ईजी लगेगी, बेसिक सारा आपका यही है। अगर आप सारे चैप्टर्स के पीडीएफ खुद से देख करके टैली करना चाहते हो तो आप ये www.ncert.nic.in इस पे जाकर के आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा। ओके, ये G20 को आप क्रॉस कर दो, फिर यहाँ आप इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आओगे, टेक्स्ट बुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। फिर उसके बाद ई बुक्स आपको दिख रहा है, ई बुक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ये देखो पीडीएफ आ रहा है 1 to 12, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ फिल कर देना सेलेक्ट क्लास, तो आपकी क्लास कौन सी है, तो अभी हम 11th तो देख रहे हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे मैथ्स देख रहे हैं। सेलेक्ट बुक टाइटल, हमारे पास अभी एक ही बुक है क्योंकि 12th में आपकी दो अलग अलग बुक हो जाएगी, तो ये आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपका गो, ठीक है, तो ये आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे खुल गए। आप जो भी चैप्टर यहाँ देखना चाहते हो, जैसे हमने फर्स्ट सेट्स देखना है, तो ये आपका यहाँ पे खुल गया। अब आप नीचे जाओ, देखो इस तरह से स्क्रॉल करके आप सारे चैप्टर्स से उसका नीचे जाओगे तो ये ओपन दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये मैंने क्योंकि पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, चैप्टर 1 आई थिंक ये वाला है। ओके, ये हमने यहाँ पे खोल दिया, तो ये देखो सेट्स हमारा खुल गया पूरा। तो इस तरह से आप 1 by 1 सारे चैप्टर्स को खुद से अपने घर पे बैठ के आप टैली कर सकते हो कि ये मेरी ओल्ड बुक है, ये हमारी नई बुक के सारे चैप्टर्स हैं। तो चेक करके वहां से भी आप इसको देख सकते हो। थैंक यू।